Assalamu alaikum dear students, how are you all? I'm fine and hope that you all are fine. I'm Tahir, your English teacher, and this is your book of English. So I will teach you first lesson. The name of first lesson is If you want cheese, say please. So before starting the reading, there is an activity for you on page number 1. There are some items or products. You have to write the names of these things. This is your homework. You have to do it and send picture on WhatsApp number. So please move to page number 2. If you want cheese, say please. सही है, जो टाइटल है हमारा उसका क्या मतलब है कि अगर आपको चीज़ का मतलब होता है पनीर, अगर आपको पनीर चाहिए तो आप कह दें। मतलब जैसे बेटा हम कभी कभार किसी से कहते हैं ना कि आपको कुछ चाहिए तो आप हमें बता दें। कभी कभार आपने देखा होगा क्लास में बच्चे बगैर पूछे एक दूसरे की चीज़ उठा लेते हैं, तो हम यही कहते हैं। बाद में हम बुरा हमें महसूस होता है तो हम बच्चों से यही कहते हैं, या टीचर के साथ अगर हम झूठ बोलते हैं तो उसे पता चल जाता है कि आपने झूठ बोला, तो यही कहते हैं कि आप जो हकीकत थी आप बता देते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो हमारा आज का लेसन भी यही है। वंस इन अ टाउन कॉल्ड माइस विली और वाइल्ड, देयर लिव टू माइस चैडर एंड ब्री। एक मर्तबा का जिक्र था, एक कस्बा जिसका नाम माइस विली था, वहां पर दो चूहिया रहती थी जिनका नाम चैडर और ब्री था। बोथ लव्ड चीज, इनफैक्ट देयर हाउस लुक्ड लाइक चीज। दोनों को पनीर बहुत पसंद था और उनका घर भी जो था वो पनीर जैसा ही था बिल्कुल। इट वॉज येलो एंड दे वर एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ इट। पूरे का पूरा घर जो था वो पीला था और ये इसके बहुत शौकीन थे। इट हैड राउंड विंडोज एंड अ लवली डोर, और घर की जो खिड़कियां थी वो भी गोल थी और एक प्यारा सा दरवाजा था। चैडर एंड ब्री एट चीज फॉर ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, दे एट चीज विथ एवरीथिंग। चैडर और ब्री जो है वो पनीर उन्हें इतना पसंद था कि वो सुबह के नाश्ते में, दोपहर के खाने में और रात के खाने में पनीर ही खाते थे और हर चीज के साथ वो पनीर खाया करते थे। वन डे दे रिसीव्ड एन इन्विटेशन अ चीज केक कॉम्पिटिशन। एक दिन उन्हें एक दावतनामा मिला, चीज केक कॉम्पिटिशन का मुकाबला था जहां पर उन्होंने केक बनाकर लेकर जाना था। केक किस चीज से बनाना था, चीज केक कॉम्पिटिशन में उन लोगों ने एक प्यारा सा केक जो है वो बनाकर लेकर जाना था। बेटा चैडर और ब्री यहां पर दो किनके नाम है, माइस के नेम है ये, लेकिन चैडर और ब्री जो है वो चीज की एक टाइप है, एक किस्म है। यहां पर उनका क्या नाम, यहां पर दो चूहों के नाम है ये। ऑन रीडिंग दिस दे बोथ वर ओवर द मून। ओवर द मून, ओवर द मून का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा खुश होना। इन लोगों ने जब ये दावतनामा, बेटा ये इनविटेशन कार्ड जो पढ़ा था पेज नंबर 3 पर, इन लोगों ने जब ये इनविटेशन कार्ड पढ़ा तो दोनों बहुत खुश हुए। हाउ विल वी मेक द केक स्पेशल, विल इट बी रेडी इन टाइम। दोनों बहुत खुश थे और कहने लगे कि हम केक किस तरीके से खास बनाएं, क्या जितना हमारे पास टाइम है उस टाइम में हम ये केक बना पाएंगे या नहीं। लेट्स स्टार्ट बेकिंग नाउ सो इट विल बी रेडी इन टाइम, सेड चैडर। चैडर ने कहा वक्त जाए किए बगैर हम केक बनाना शुरू करते हैं ताकि जो है हम वक्त पर केक बना सकें। बोथ माइस सेट टू वर्क इन देयर लिटिल किचन, स्क्रोइंग अबाउट देयर पॉट्स एंड पैन्स। दे वर्क ऑल डे एंड नाइट टिल दे वर क्वाइट एग्जॉस्टेड। दोनों ने खूब मेहनत की, दिन रात एक करके जो है वो काम किया, उस वक्त तक काम करते रहे जब तक वो थक नहीं गए। फाइनली चैडर सेड एज ही हैड रिमूव द बेकिंग ट्रे ऑफ द ओवन, और अब वो जो है ओवन से केक वाली ट्रे निकाल चुके थे क्योंकि वो केक बना चुके थे। दे आर डन, नाउ वी नीड टू रेफ्रिजरेट इट सो दैट इट विल बी रेडी बाय टुमारो। और कहते हैं कि अब ये केक जो है वो रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं ताकि सुबह तक जब हमें ये केक लेकर जाना है उस वक्त तक रेडी हो केक। After this, they cleaned the kitchen and retired for night. और फिर उन्होंने बाराची खाने को साफ किया और चल दिए सोने के लिए। Now while they were asleep, who should pass by their window? और जब वो दोनों सो गए तो खिड़की के, खिड़की में से कोई अंदर आया। But Whiskers the naughty cat, और वो अंदर जो कौन आया, एक शरारती बिल्ली थी। She sniffed the air and said, "Aha, I smell something delicious." उसने कहा कोई बहुत ही मजेदार सी खुशबू जो है वो आ रही है।
आई वंडर व्हाट द माइस हैव बीन अप टू. उसने कहा कि इन लोगों ने क्या बनाया है. लेट मी चेक देयर फ्रिज. इनकी फ्रिज को जो मैं चेक करती हूँ. सो विस्कर्स पुट हर पॉ थ्रू द डोर एज शी ओपेंड द फ्रिज. हर आइज फेल ऑन चीज़ केक. शी गॉट इट एंड फ्लैड. क्या किया उस बिल्ली ने, जैसे अपने पंजों से फ्रिज को खोला तो वहां सामने खूबसूरत का केक था. उसने उस पर झपट्टा मारा और सारे का सारा केक खा लिया. सो इट इज अवर टूडेज फर्स्ट लेक्चर. यहां तक आपको कहानी समझ आई होगी. आगे क्या होगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे. आपका जो होमवर्क मैंने आपको पहले ही बता दिया, पेज नंबर 1 पर है. सो इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन विद द रिमेनिंग स्टोरी. ओके, अल्लाह हाफिज. थैंक यू.